सुनो सुनो देशवासियों, इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे, हम सभी परिवार दीपावली मनाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे। सबसे पहले मानव की महत्वपूर्ण जीवन हम बचाएंगे, देश में पटाखे नहीं जलाएंगे, देश में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। जी हां, आप भी अपने जीवन के लिए जागिए, अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय कमला नगर में हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ ये त्यौहार का मौसम चल, लेकिन लोगों का काम काज ठप है और जनता जनार्दन अभी भी घर से नहीं निकल रही है। इसे देखते हुए आप सभी भारतीय लोगों से विनती है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप सभी लोग अपने इंडियन का ही सामान खरीदिएगा, चाहे लड़ी हो। और जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। जी कैसा काम काज, जिस तरह से देख रहे हैं दीपावली चल रहा है, तो काम काज चल रहा है? नहीं नहीं सर, काम धाम बिल्कुल नहीं है। जी जी, और जब आपका काम धंधे चालू होने का समय था तो लॉकडाउन था, गर्मी में आपका काम चलता है, ठंडी में आपका हो, तो जिस तरह से आप सीजनी काम करते हैं ठंडी और गर्मी का, तो और ये बंद कर देंगे कि दूसरा कोई काम करेंगे? काम तो हम हमेशा यही रहते, यही रहता है। तो कैसे गुजारा होता होगा अंकल जी? क्योंकि काम अच्छा निकलता है, कोरोना की वजह से आपके काम नहीं है। जी जी, तो ये साल बड़ा जीवन यापन गुजारना बड़ा वो रह गया है, भगवान भरोसे गाड़ी चलती है। जी जी, कहाँ रहने वाले हैं? वेलकम, बहुत अच्छा है। और जिस तरह से आप कमला नगर में यह काम करते हैं, गुजारा हो जाता है? हाँ जी, गुजारा हो जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से आपका तो रोटी भी भारी पड़ रही है। जी जी सर, तो ये ठंडी का आइटम है, बदल दिया करो, कोई और भी काम। ये थोड़ा शकरकंदी का भी लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा आइटम रख लेते हैं। जी 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 जी, तो थोड़ा और कुछ जैसे कि ये चेंज कर दिया करो, जैसे पकौड़ी वगैरह समोसा वगैरह बनाया करो, जिससे बिक्री हो। यानी आग का सामान है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ओह, समस्या ही है, समस्या ही है, सिलेंडर वाली बात पड़ी। जी और क्या समस्या है? जैसे कि 2-3 महीने लॉकडाउन में थे, घर में रहे होंगे, कोई काम काज नहीं किए होंगे, घर से बाहर ही सारा भारत बंद था, पूरा विदेश बंद था, तो काम काज पैसा कौड़ी कैसे अर्जित किए अपने परिवार चलाने के लिए? बड़ा मुसीबत आ गया था एक तरह का। बस ऐसे ही, सरकार ने भी लॉकडाउन राशन पानी दे रखा था, उसे खा करके गुजारा करना पड़ा था। जी जी, आपका राशन यहाँ बना है? अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उसी से गुजारा करते थे? गुजारा करते थे। जी जी, दमाई दमाई तो थी नहीं। जी जी, जो थोड़ा बहुत था वो साग सब्जी में लिया किया। जी जी, तो कमाई धमाई नहीं था, डेली खाना डेली कमाने के उद्देश्य से दिल्ली में है, तो सरकार को और कुछ देखना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, ठेली लोग हैं, उन्हें कुछ सहायता करना चाहिए। तो क्या मांग करती हो आप सरकार से? सरकार से क्या मांग करते हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों को जो है, जो पर्चियाँ वगैरह बनी हुई हैं, पुराने पर्ची बैठे हुए हैं, उनके लिए कहीं जगह दे दी जाए, और अपना ये कोरोना के वैक्सीन वगैरह बन जाएगी तो थोड़ा काम धंधा निकला, यही उम्मीद कर। हाँ जी जी, जरूर जरूर सर, आपका आशीर्वाद रहेगा, जरूर जल्दी आएगा। तो समस्या बहुत ज़्यादा हुआ, तो कैसे खाना पीना कैसे चला अपना गुजारा? खाना पीना तो बस ऐसे ही है जी, जब सरकार ने थोड़ा राशन पानी उधर मिलता रहा, थोड़ा हुआ था वो तो ठीक है, राशन पानी जैसे गैस वगैरह, गैस वगैरह और ये सब्जी वगैरह ये सब तो खरीदना ही पड़ा होगा। अच्छा अंकल जी, जिस तरह से सब्जी में आग लगा हुआ, इतना महंगा हो रखा है, तो क्या आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ रहा है? जीवन में पैसे नहीं है, काम धंधा नहीं है, कभी नमक से बना लेते हैं, कभी चटनी से बना लेते हैं, कभी क्या करें, कैसे नहीं करते, बच्चे तो पालने ही। जी जी जी, तो कैसे जीवन यापन चल रहा है? बस राम भरोसे, राम भरोसे जी। तो सरकार से क्या मांग करती हो आप? सरकार से यही मांग करते हैं, किसी तरह कैसे भी वैक्सीन हो जाए, जो कोरोना की समस्या सारी खत्म हो जाए, और अपना ये धंधा पानी चौपट दोबारा जो पड़ा हुआ है वो मिल जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज सुबह टाइम को आपने इंटरव्यू दिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।